हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो हम कौन सा कर रहे थे, 8 कर रहे थे, और उसका पार्ट नंबर कौन सा है, 2 पार्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो मैंने करवाया वो आपको पहली ही क्लास में करवा दिया, अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। तो बेटा, जहाँ तक मैंने समझाया था आपको, उतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलो, उससे आगे की कहानी हम समझते हैं। ठीक है, मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे बाहर निकले तो समान गायब। जो मामा जी थे वो कहाँ डुबकी लगाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के साथ क्या बोलते हैं, हर हर गंगे। जब वो डुबकी लगाने के बाद जब गंगा नदी से बाहर निकलते हैं, मतलब एक बार डुबकी लगाई और एक बार ऊपर आए, फिर डुबकी लगाई फिर ऊपर आए, जब वो डुबकी लगाने के बाद जब अपने किसके पास आते हैं, सामान के पास आते हैं, तो उनका सामान क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कपड़े गायब, लड़का भी गायब, मतलब कि जो उनके साथ उनका लड़का जो आया था, भांजा जो जिसको बोल रहे थे, वो उनके साथ कहाँ पे आया था, गंगा के घाट पे आया था। पर जब वो डुबकी लगा लेते हैं तो ना ही उनका सामान होता है वहाँ पे, और ना ही वो लड़का होता है। लड़का भी गायब, कपड़े भी गायब, और क्या, उनका सामान सामान जो होता है वो भी गायब हो जाता है। मुन्ने मुन्ना आ मुन्ना, ऐसा वो बोलते हैं। आपने देखा है ना, जब आप किसी के साथ आते हो या कोई आपके साथ आता है और गुम हो जाता है, तो उसको आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हो उसके नाम के साथ। तो ऐसे ही मामा जी मुन्ना को बुलाते हैं, मुन्ना मुन्ना ऐसे बोलते हैं। मगर मुन्ना वहाँ होता तो मिलता ना, जब कोई वहाँ पर होएगा नहीं, तो आप कितना भी चिल्ला लो, उसका नाम पुकार लो, जब वो बच्चा वहाँ पे होएगा नहीं, या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे होगा नहीं जिसका नाम पुकार रहे हो, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे मामा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं मुन्ना मुन्ना, पर वहाँ पर मुन्ना था नहीं, तो उसको मुन्ना मिलता भी नहीं है। तौलिया लपेट कर खड़े हैं, कौन खड़े हैं, मामा जी खड़े हैं। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो जब गंगा घाट पर नहाने के लिए गए थे तो साथ में तौलिया लेके गए थे, तो तौलिया लपेटे रहे, वो कहाँ खड़े हैं, गंगा घाट पर। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है, तो आपने देखा है ना, कहीं आप मेले या कहीं पे भी जाते हो तो आस पड़ोस के लोग खड़े होते हैं, कोई कुछ काम कर रहा होता है, कोई कुछ काम कर रहा होता है, तो जो मामा जी होते हैं वहाँ पे खड़े, तौलिया लपेटे खड़े, वो आसपास के राहगीर चलते लोगों से क्या पूछते हैं कि आपने क्या मेरे मुन्ना को देखा, कौन मुन्ना। तो रिप्लाई में उनका उत्तर क्या आता है, जिससे वो पूछते हैं, कौन मुन्ना, वही जिसके हम मामा हैं। फिर वो क्या कहते हैं, जिसके हम मामा हैं। अब आसपास के लोगों को तो ये नहीं पता कि आप लोगों का क्या रिलेशन है, मतलब कौन मामा है कौन चाचा है ऐसा, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, जो मामा होते हैं वो क्या कहते हैं उनको, जिसे जिस आदमी से वो पूछते हैं, बोलते हैं हम उन बच्चे के क्या है, मामा हैं। ठीक है, मैं समझा नहीं, जो जो आदमी से वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुन्ना को देखा, तो वो बोलते हैं कि मैंने मैंने नहीं देखा और ना ही मैं समझा। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। फिर वो क्या कहते हैं, अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना, जिसके हम मामा लगते हैं वो वाला वो मुन्ना, लड़के का क्या नाम था, मुन्ना, तो उसको बोल रहे हैं वो। ठीक है, वह तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। जो मामा जी थे वो तौलिया लपेटे रहे ही इधर से उधर ढूंढने लगे, किसको दौड़ते रहे, किसको ढूंढने के लिए, मुन्ना को। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी ये स्थिति है मित्रों, चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है, मुझे नहीं पहचाना। क्या बोला गया इस लाइन में, चुनाव के समय में भी ऐसा होता है ना कि कोई भी बंदा आता है आपके चरणों में, एकदम से गिर जाता है, और फिर वो क्या कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, ऐसा बोलते हैं ना। और आपने देखा भी होगा कि ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, प्यार जताने के लिए, अपनापन जताने के लिए एकदम से चरणों में गिर जाते हैं, या हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, नमस्ते करने लग जाते हैं। ऐसे ही मुन्ना जो था, उन्होंने मामा जी के साथ ऐसे ही प्यार भरी बातें करी थी, और उनके चरणों में क्या, उनके चरण छूने के लिए गिर गया था। मैं इस चुनाव का उम्मीदवार हूँ, होने वाले MP कौन थे वो मामा जी, होने वाले MP, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, कौन बोला है वो, जो मामा जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वहाँ वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्यों साहब, वह कहीं आपको नज़र आया। ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, ये मामा जी बोल रहे हैं, और किसके लिए बोल रहे हैं, मुन्ना के लिए बोल रहे हैं। अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं,
5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। जो मामा जी थे वो ऐसे ही तौलिया लपेटे 5 साल उनके बीत जाते हैं। किसकी बातचीत किसके बारे में पूछते पूछते? मुन्ना के बारे में। सिर्फ वो नाम ही जानते थे और सबसे जब पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि जिसके हम मामा हैं, जिसके हम मामा हैं। तो अगर आप किसी के सामने ऐसा बोलोगे तो वो कोई भी समझेगा नहीं, समझ पाएगा ना कि जिसके हम मामा हैं, जिसके हम मामा हैं। अगर जिसके हम मामा हैं, अगर जब तक हम किसी के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर लेते या जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो तब तक हमें किसी से भी क्या नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ना ही उस पर दया भाव की भावना व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कहानी पढ़ ली। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि राह चलते आदमी से क्या करनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। चाहे वो भले वो क्या बोले आपका कि मामा है, चाचा है, जब तक आप खुद कंफर्म नहीं हो जाते, खुद बिल्कुल अच्छे से पहचान नहीं पाते कि हाँ मैंने कभी से बात करी है या कभी से मिला हूँ, तो अपनी ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ानी नहीं चाहिए आगे तक। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। चैप्टर था जिसके हम मामा हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ये आपको अपनी बुक में ही करना है, जितना काम दिया गया है वो आपको बुक में करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी तब आप अपने क्वेश्चन आंसर करना किसमें, कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको कहानी बताएंगे।